नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अफोर्डेबल से मस्कारा के बारे में बात करेंगे। अब ये जो मस्कारा है, दिस इज़ बाय द ब्रांड ग्लैम 21। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं सुना हो, एंड द मेन रीजन फॉर दैट कैन बी ग्लैम 21 एक कंपैरेटिवली न्यू ब्रांड है और आप इसके प्रोडक्ट्स आसानी से नायका या अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं इसके, और ऐसे ही एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने कुछ टाइम पहले ग्लैम 21 का मस्कारा परचेज किया था, विच इज देयर कर्लिंग मस्कारा। एक्चुअली दे जस्ट हैव वन मस्कारा, विच इज देयर HD डेंस कर्लिंग मस्कारा। और ये जो पर्टिकुलर मस्कारा है, इसका जो प्राइस पॉइंट है दैट इज जस्ट 249 रुपीज। एंड अगर हम कंपनी के क्लेम्स की बात करें तो ये एक कर्लिंग मस्कारा है, इसका वॉन्ड कर्ल है, ये एक वाटर प्रूफ मस्कारा है, बहुत लाइट वेट मस्कारा है, एंड यू कैन गेट द डिजायर्ड इफेक्ट जो कि आप किसी हाई एंड मस्कारे से एक्सपेक्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शो करूंगी कि ये पर्टिकुलर मस्कारा मेरे आईज पे कैसा लगता है। करंटली मैंने ये ग्लैम 21 का मस्कारा अप्लाई किया हुआ है एंड आई हैव नॉट अप्लाइड एनी फॉल्स लैशेस, और मैं एप्लीकेशन का प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सो यस, आई हैव ट्राइड दिस मस्कारा फ्यू टाइम एंड आई डू नो हाउ आई फील अबाउट दिस मस्कारा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि ये पर्टिकुलर अफोर्डेबल मस्कारा बाय द ब्रांड ग्लैम 21 कैसे काम करता है, देन कीप ऑन वॉचिंग। बिफोर गोइंग इनटू द गुड पार्ट्स अबाउट दिस मस्कारा, क्विकली बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में, एंड देन आई विल शो यू कि इसका वॉन्ड कैसा दिखता है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो इस टाइप के कुछ आउटर पैकेजिंग में आता है ये ग्लैम 21 का HD डेंस कर्लिंग स्पाइरल मस्कारा। पैकेजिंग काफी सिंपल सी है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, लेकिन जो इसका स्पेशल पार्ट होना चाहिए वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये है इसकी एक्चुअल पैकेजिंग, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है कंपेयर टू द प्राइस पॉइंट जो इस पर्टिकुलर मस्कारे का है। सो यस, दिस इज द एक्चुअल मस्कारा। नाउ आई विल जस्ट क्विकली ओपन द मस्कारा एंड शो यू कि इसका वॉन्ड कैसा दिखता है। सो दिस इज हाउ द वॉन्ड लुक्स लाइक। नाउ एज यू कैन सी, ये जो वॉन्ड है ये थोड़ा सा कर्ल्ड है, इसके अंदर कर्व दिया गया है, एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस मस्कारा इज। ये एक कर्लिंग मस्कारा है एंड दैट इज व्हाई इसका जो वॉन्ड है ये भी कर्ल है। इसके जो ब्रिसल्स है वो काफी सॉफ्ट हैं एंड अप्लाई करने में काफी कन्वीनियंट रहते हैं। ये जो मस्कारा है इसके ब्रिसल्स काफी थिन है एज यू कैन सी, इसकी वजह से जब भी इस मस्कारे को लैशेस पे अप्लाई किया जाता है तो बिल्कुल भी क्लम्प्स फॉर्म नहीं होते हैं एंड एक अच्छा कर्लिंग इफेक्ट देता है ये मस्कारा। यू मस्ट हैव सीन इस मस्कारे का जो वॉन्ड है वो कर्ल शेप में है एंड इसके जो ब्रिसल्स है वो काफ़ी थिन है। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी आप मस्कारे को लैशेस पे अप्लाई करते हैं तो वो क्लम्प नहीं करता है और एक फुलर कर्लिंग इफेक्ट देता है लैशेस को, विच इज द मेन पर्पज ऑफ दिस मस्कारा। अगेन वाटर प्रूफ मस्कारा है, येस, बिकॉज वेन यू वॉश योर फेस और इफ यू माइट गो आउट इन रेन तो ये वॉश ऑफ नहीं करता है, लाइक बहेगा नहीं ये मस्कारा, बट इट इज सपोज टू बी अ वेरी लॉन्ग वेयरिंग मस्कारा। कंपनी क्लेम करती है कि ये मस्कारा 16 आज तक स्टे कर सकता है ऑन द लैशेस, विच आई हैव ट्राइड द मस्कारा फॉर ऑलमोस्ट लाइक 9 to 10 hours एंड इट माइट नॉट एग्जैक्टली बी ट्रू। ये ड्रेन तो नहीं करता है पानी से मस्कारा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लाइक आफ्टर 4, 5, 6 hours ये जो मस्कारा है आई डू फील कि इसका जो कंसिस्टेंसी है ये समहाउ थिन हो जाती है। मतलब आई वुड से कि ये जो मस्कारा है इट इज़ वेरी ईजी टू रिमूव आफ्टर 8 to 9 hours ऑफ एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू इफ यू ट्राई टू रिमूव आफ्टर 2 hours। मैंने 2-3 घंटे बाद भी इस मस्कारे को आई मेकअप रिमूवर से रिमूव करने की कोशिश की है एंड आई हैव ट्राइड द सेम आफ्टर 8-9 hours। एंड अगर आप 8-9 hours बाद इस मस्कारे को रिमूव करने की कोशिश करते हैं सो इट गेट्स रिमूव्ड कंपैरेटिवली वेरी इजीली अगर हम 2 घंटे में इसको रिमूव करें तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो बेसिकली आई डू फील कि ये जो मस्कारा है ये 16 आज तक स्टे नहीं कर सकता है, बट फॉर द प्राइस पॉइंट अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला 8-9 hours भी स्टे करता है ऑन द लैशेज, और क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरी जो लैशेज हैं वो बिल्कुल भी थिक फील नहीं करती हैं, प्रॉपर कर्लिंग थिकनिंग इफेक्ट देता है ये मस्कारा। सो अगेन आई डू फील कि फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 249 रुपीज ये एक काफी अच्छा मस्कारा है। दिस इज लाइक वन ऑफ द फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ट्राइड फ्रॉम ग्लैम 21 एंड आई डोंट थिंक कि मैंने किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है, बट
After trying this mascara, I'm very intrigued about trying more products by the brand. Do let me know in the comment section down below कि आपने Glam 21 का कोई makeup product try किया है and if yes then what is your experience with the same. Also if you are interested in seeing the review of any other makeup product by the brand Glam 21, do let me know in the comment section down below. I would love to try more products by the brand. So overall for me this mascara is a 4 out of 5, especially because of the fact ki ye waterproof hai and it just retails for 249 rupees. So yes, that was my quick and short review on the Glam 21's HD curling mascara. Do let me know in the comment section down below ki aur kaun se affordable products ke reviews aap mere channel pe dekhna chahenge. So if you like today's video, do not forget to give this video a thumbs up, and if you're interested in more makeup and skincare related videos on my channel, do not forget to hit the subscribe button and ring the notification bell down below so that you get notified whenever I upload a new video. So that's it for today's video. Thank you so much for watching my video. Namaste.